कश्मीर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने बिहार के शख्स की हत्या की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। शख्स की पहचान राजू शाह के रूप में हुई है। पकौड़े की दुकान दरअसल यह शख्स चलाता था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। चुनाव से पहले नक्सलियों की तरफ से हिंसा का शक। छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया शहीद। एक दिन पहले छत्तीसगढ़ में सेना ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। तो मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। नक्सलियों को शहीद बताने पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला। कहा कांग्रेस का यही बयान देश के लोकतंत्र पर प्रहार है। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। ये देश के सुरक्षा बलों पर प्रहार किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बोला हमला। ट्वीट कर लिखा नक्सलियों को शहीद बताना कांग्रेस का मानसिक और नैतिक दिवालियापन है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम हुई है। पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को नष्ट कर दिया। ठिकानों से 20-20 किलो के 3 IED जब्त हुए जिसे नष्ट कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात दौरा। थोड़ी देर में गांधीनगर समेत कई जिलों में रोड शो, साथ ही रैली को कर जनता को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में कल दाखिल करेंगे नामांकन। गांधीनगर से मौजूदा सांसद हैं अमित शाह। पिछली बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे असम के कोकराझार में रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा डंडा सहरिया HS खेल मैदान रैली को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा दुधनोई राजोहुआ खालपाधर में शाम करीब 4:45 बजे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो करेंगे। आपको बता दें आज बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी आज बागपत से अपनी चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। बीजेपी से गठबंधन में मिली दोनों सीटों पर जीत के लिए RLD ने झोंकी पूरी ताकत। गुजरात के भरूच में पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान। आप उम्मीदवार चैतर वसावा के लिए किया चुनाव प्रचार। लोगों से की आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी ने बीजेपी NDA उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी, मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा अमेठी के टुकड़े टुकड़े के नारों का समर्थन करने वाले नेता थे, इसका मुझे दुख है। वर्ग ने अपनी आहुति दी है, हर समाज के व्यक्ति ने आहुति दी है। ऐसे क्षेत्र में एक ऐसा प्रतिनिधि हुआ करता था जो भारत के टुकड़े होने जैसे नारे का भी समर्थन कर चुका। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे मतदान दल। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान। पहले चरण में होने वाली वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा में भेजा गया मतदान दल। देश के कई क्षेत्रों से भेजे गए 529 लोग। बीजेपी नेता टी राजा ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा ओवैसी ना भारत माँ की जय बोलते हैं ना ही वंदे मातरम गाते हैं। अरे ये भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम गीत नहीं गाता। उधर राजस्थान के कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का राहुल गांधी पर हमला। कहा न गठबंधन ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार घोषित किया, ना ही कांग्रेस ने। राहुल गांधी लीडर हैं तो इंडी गठबंधन उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करे।
लीडर के रूप में प्रस्तुत करे तो इंडिया गठबंधन घोषित करे उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, उनकी पार्टी ने खुद ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वहीं ओम बिरला ने कांग्रेस पर सादा निशाना, कहा देश की जनता जानती है कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नीति और ना ही काम करने की नीयत। देश प्रदेश जानता है जी, कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है ना नीति है ना नीयत है काम करने की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने किया प्रचार, यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को लोगों का मिला भरपूर समर्थन। बीजेपी नेता वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को इस बार मौका मिला है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में एआईएडीएमके नेता एसपी वेलुमड़ी ने सिंगाई जी रामचंद्रन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। राजस्थान के अजमेर में टैंकर में लगी भीषण आग, दूध उकर जला, घी से लदा टैंकर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गोदाम में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में बिजली गिरने से पेड़ जलकर राख, घटना से इलाके में हड़कंप। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। पैराइश में अज्ञात कारणों से गेहूं की खेती में आग लग गई, करीब 500 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। दिल्ली के कालंदी कुंज में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगी, दमकल के करीब 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 3 युवकों पर चाकू से हमला, 1 युवक की मौत जबकि 2 की हालत गंभीर, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली में नहर में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैदराबाद वीडियो में ट्रक ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ट्रक की खिड़की पकड़कर लटक गया, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े चोर ने सीमेंट सरिये की दुकान में हजारों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज के आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। यूपी के चंदौली में अज्ञात वाहन ने सवारी ऑटो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौके पर मौत। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यालय में आग लग गई, बीजेपी कार्यालय में कथित तौर पर आग लगाने की खबर है, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव का बीजेपी ने लगाया आरोप, मुर्शिदाबाद के अरेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर भारी पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का सीएम ममता बनर्जी पर हमला, ट्वीट कर लिखा ममता बनर्जी के निंदनीय और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से पूरे बंगाल में राम भक्तों पर हमले हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले बुलंदशहर में फिर भारी मात्रा में शराब बरामद, 2.5 लाख रुपए की 56 पेटी शराब आबकारी विभाग ने पकड़ी है, 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूक्रेन की सेना पर रूस ने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया है, यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर यूक्रेन के डोनेस्क, रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला, यूक्रेन की सेना के ठिकानों और घातक हथियारों को तबाह करने का दावा। सर्बिया के बाकम में मौसम में भारी बदलाव के कारण कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है, बोस्निया की राजधानी साराजोवो बर्फ से ढक गई है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पूर्वी अफ्रीका में बारिश और बाढ़ का कहर, केन्या के ओम्बाका और किसुमू काउंटी में 13 लोगों की मौत जबकि कई बुनियादी ढांचों को नुकसान, मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक भारी बारिश की संभावना जताई है। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं, मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भर गया है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुबई में तेज हवाओं का कहर, भरभराकर गिरे लकड़ी से बने घर, तूफान में चारों तरफ तबाही मचाता नजर आया। रूस में बाढ़ से लगातार बिगड़ते रहे हालात, इमरजेंसी वर्कर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू किया है। कुर्गन शहर में टोबोल नदी का जलस्तर गंभीर है, 600 से ज्यादा इमारतें और 2300 से ज्यादा घर और सड़कें बाढ़ में डूब गई हैं।
न्यूयॉर्क में 353 बैलेरिना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 500 डांसर ने एक समय में एक मिनट के लिए सबसे अधिक डांस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आपको बता दें 2019 में यह पिछला रिकॉर्ड बना था। अमेरिका के मोंटाना में सर्कस से भागा हाथी सड़क पर दौड़ने से रुकी गाड़ियों की आवाजाही, बैक फायरिंग की आवाज से डर कर तोड़ा सर्कस अखाड़ा। न्यूयॉर्क के अल्बानी में पुलिस पर एक ड्राइवर ने घात लगाकर किया हमला। जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में लगी गोली, ड्राइवर की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टील को पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी में बनाए जाने की बात कही है। चीनी स्टील एल्यूमिनियम पर हाई टैरिफ लगाए जाने का वायदा किया है। रूस ने अजरबैजान के काराबाग से शांति सेना को हटाना शुरू किया। आर्मेनिया के काराबाग पर अजरबैजान ने किया था कब्जा पिछले साल के सीज फायर के बाद रूस ने सेना बुलाई। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने दी चेतावनी, कहा इसराइल ने अगर सबसे छोटा आक्रमण किया तो बड़े पैमाने पर होगी प्रतिक्रिया। उधर ईरान के हमले के बाद इजरायली सैन्य अधिकारी का बयान, आगे होने वाले हमलों से बचने के लिए इजरायल हवाई सुरक्षा की तैयारी कर रहा है। सेडरोड में आईडीएफ ने बनाया सेना का बेस। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। हवाई हमले का वीडियो जारी किया गया है, 13 लोग घायल हुए। रूस के 3 मिसाइलों ने यूक्रेन के चेर्निहाइव में मचाई तबाही। हवाई हमले में 17 की मौत, जबकि 8 मंजिला अपार्टमेंट पर मिसाइल गिरने से 3 बच्चों समेत 61 लोग घायल। प्राग के चेकिया में अमेरिका, जर्मन और फ्रांसीसी दूतावासों के बाहर लोगों का प्रदर्शन। नेटो सहयोगियों से की यूक्रेनी हवाई क्षेत्र बंद करने की मांग। चेर्निहाइव में हमले में मारे गए लोगों की याद में लगाया क्रॉस। जॉर्जिया के संसद में जोरदार हंगामा। संसद में विदेशी एजेंट बिल पर सांसदों के बीच छातापाई। संसद के गेट पर प्रदर्शनकारियों ने रूसी कानून को नहीं मानने के लगाए नारे। आज कांग्रेस पार्टी ऐश्वर्या जी मोदी जी का विरोध करते करते अपनी स्वयं की नीतियों का विरोध करती है। आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रखना है और परफॉर्मिंग एसेट्स को गालियां देके पार्टी से बाहर निकाल। जो देश की धारा की बात है उससे अगर पार्टी अलग जा रही है तो कहीं ना कहीं तो हमको आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी।